हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीश माधानी आपको आज फिर से स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का उसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। और आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस मतलब ऑलरेडी मैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के बारे में मैंने मेरे जो सब लास्ट वीडियो जो बनाए हैं मैंने उसके अंदर सब बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये तीनों का जो डिफरेंस आपको दिया है, एग्जाम में कितनी बार आ सकता है कि प्रोफेशन एंड बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, या डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, या डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये टाइप से आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक याद रखना है और एक्सप्लेन भी करना है। देखो तो फर्स्ट है पॉइंट कौन से, फिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। इसका नेचर कैसा होता है, मतलब कैरेक्टर क्या होता है। तो देखो आपको समझाया है कि बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ज्यादातर इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले में एक्सचेंज होती है, कस्टमर को दिया जाता है, पैसे के बदले में आप उसको गुड्स एक्सचेंज कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। प्रोफेशन ऑलरेडी आप सीख चुके हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस। पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर विद डिस्क्रिशन इन रिटर्न ऑफ फीस। ज्यादातर जो प्रोफेशन कैटेगरी में आते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के बदले में उनको फीस मिलती है। जैसे एग्जांपल में मैं दे चुका हूं आपको, डॉक्टर है, सीए है, तो ये सारे प्रोफेशन में आते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादातर इसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता है। सेकंड पॉइंट है क्वालिफिकेशंस। नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल। बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आर एसेंशियल। ज्यादातर प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। आप कौन सी टाइप का, कैसे जॉब, कौन सी टाइप का आप जॉब करने वाले हो तो उसके हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक, रिवार्ड और रिटर्न। इसके अंदर क्या रिवार्ड मिलता है या क्या रिटर्न मिलता है, तो इसके अंदर है बिजनेस के अंदर रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मिलता है। और दूसरा है प्रोफेशन में, रिटर्न इज कॉल्ड द फीस। उसके अंदर जो रिटर्न मिलता है उसको फीस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी या वेजेस। उसके बाद आता है फोर पॉइंट कैपिटल। बिजनेस के अंदर कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेसमैन कौन सी टाइप का बिजनेस कर रहे उसके हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसके अंदर लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों, कि अगर समझो चार्टर अकाउंटेंट है या लॉयर है या डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपने खुद का क्लिनिक डालेगा तो उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो लॉयर है या चार्टर अकाउंटेंट है वो अपनी ऑफिस अगर खोलता है तो उसके अंदर, ऑफिस के अंदर भी जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है वो होते हैं। और लास्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि उसको तो जॉब करना है, बराबर। तो यहाँ पे कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है रिक्स, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिक्स ऑफ लॉस रिमेन इन बिजनेस। देखो बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी है कि उसके अंदर इनकम कोई सर्टन नहीं है, मतलब कोई इनकम चौकस नहीं है, उसके अंदर टोटली रिक्स है। हो सकता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन के अंदर है रिक्स ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस। कितनी बार ऐसा होता है कि इनको भी जो फीस होती है वो कितनी बार नहीं भी आती है, क्लाइंट का काम हो जाता है लेकिन कितनी बार वो फीस नहीं पे करता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। और एम्प्लॉयमेंट में लेस रिक्स रिमेन एज रेगुलर फिक्स सैलरी इज रिसीव्ड।
इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसको तो उसका जो सैलरी है वो रेगुलर उनके अकाउंट में गिरने वाला है और उसको मिलने वाला है। तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट के अंदर लॉसेस के या रिस्क के चांसेस बहुत ही कम है। 6 कोड ऑफ कंडक्ट लीगल प्रोविजन टू बी फॉलोड। बिजनेस के अंदर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपल्सरी फॉलो करने हैं, मतलब लीगल प्रोविजन है वो फॉलो करना है। और इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड एज प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया कि ये जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट, वो चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर जो होते हैं उनको प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना ही है। अगर CA है तो उसके पास CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। आप बहुत सारे क्लिनिक में जाते होंगे या चार्टर अकाउंटेंट के पास जाते होंगे या लॉयर के पास जाते होंगे, तो देखना उनकी ऑफिस के अंदर ये जो एसोसिएशन होता है ना उनका सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड। जब आप जॉब लेते हो तभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगा, आपको कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम में जाना है, कितनी छुट्टी आपको मिलेगी, हॉलीडे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होता है। तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकी, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो? तो देखो बिजनेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज पॉसिबल, बिजनेस के अंदर पॉसिबल है। अगर वो बिजनेस मैन अपना बिजनेस सेल कर देता है दूसरे को तो यहाँ ट्रांसफर पॉसिबल है ऑनरशिप। उसके बाद आया ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट पॉसिबल। कोई चार्टर अकाउंट डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मेरी जगह पे तू बैठ जा, मैं दूसरा बिजनेस करता हूँ या मैं दूसरा कुछ करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। जो डॉक्टर होता है वही डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसफर हो, ओके। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप, बराबर, यहाँ तो आपको ऑनरशिप का कोई टाइटल ही नहीं मिलेगा क्योंकि यू आर सर्विंग देयर, आप उसके सर्वेंट हो, आप वहां पे जॉब कर रहे हो तो यू आर अ सर्वेंट, तो आपको यहाँ पे ऑनरशिप मिलने के कोई चांसेस नहीं है। तो आई थिंक आपको ये तीनों का जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और ये टॉपिक एकदम क्लियर भी हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।